मुझे वहां पर ये दो औरतें नजर आ रही हैं जो नमाज पढ़ रही हैं। इनसे रास्ता पूछती बाहर जाने का, मगर किबला का रुख इस तरफ नहीं है, उस तरफ है। जितना मैं पास जाती हूँ इस बंदे के, ये और दूर होता जाता है। बीच सड़क में उतार दी मुझे, आधी रात हो रही है। सिंपल केक, ये है गाजर का हलवा, इसको भी गाजर का हलवा लिखा हुआ है इन्होंने, लेकिन मुझे सूजी का लग रहा है। ब्राउनी, ये है पेठे का हलवा, मेरा फेवरेट। ये सैंडविच 3 दिन पुराना है पापा, आज आपने खत्म करना है ये सैंडविच। उमा के कॉलेज का प्रोजेक्ट है फैब्रिक पेंट, उसने नेल पॉलिश लेकर ना टॉवल पे कर दी है। इसको तो फैब्रिक पेंट नहीं कहते, लगता है प्रोजेक्ट में फेल होगी, और फेल होती इसकी शादी हो जानी है। इतना बड़ा खत, क्या मोहब्बत में बदनाम करेगा। अदील भाई कहते कहते हमारा मुंह नहीं थकता, और हम अदील भाई कह के उनको सर पे चढ़ा दिया था। मैं सिर्फ उनको अदील कहूँगी, अदील। आज पापा का बाहर बैठ के चाय पीने का मूड है। पापा पापा आपकी चाय आ गई है, अंदर लाओ। पापा आपने बाहर नहीं खा, अंदर बाहर नहीं खाना। गिरने, कुछ गिरने की आवाज आई है पापा के रूम से, पता करते हैं क्या गिरा है। पापा ये क्या गिराया है आपने पापा? ये आपने गिराया। ये मैंने तो नहीं गिराया था पापा, यहाँ क्या गिरा है सब। ओहो, जरा ये देखिए पापा, ये वीडियो पापा कवे नहीं खाते, ये कितनी पापा, ये सारी वीडियो के पास रखी, मैं बाकी वो भी खोल दे। नहीं पापा, खोलना कुछ नहीं है। आधे आधे जो बीच बटा चाहे वो अंदर कर। नहीं नहीं पापा, मैं अंदर नहीं कर रही, जमीन पे गिरे, मैं तो इनको ये देखे बंद कर रही हूँ। पापा ये मैं इधर रख रही जो आपसे गिर रहे हैं। अच्छा, आज पहली दफा मुझसे कोई चीज गिरी है पापा, वैसे तो आपकी चाय वगैरह ही गिरती रहती है। पापा ना हर चीज किनारे पर रखी हुई, और ये सैंडविच 3 दिन पुराना है पापा, आज आपने खत्म करना है सैंडविच। ये कुछ रेवड़ियां हैं और मूंगफली हैं जो मेरे हाथ से गिरी हैं। आज पहली दफा पापा के रूम में जाके मुझसे कोई नुकसान हुआ है, लेकिन क्या कर सकती हूँ, मैं इनको डाल देती हूँ चिड़ियों कबों को। पापा पता नहीं, पापा के लिए ये बन रहा है। पापा आपका खाना रख दिए, आप खाना खा ले, और आप हर वक्त मोबाइल पर लगे रहते हैं। पापा आजकल इंग्लिश सीखने के लिए ना इंग्लिश मूवीज देख रहे हैं। ये शकरकंदी है जिसको मैंने काटा है, और ये इस पर मैंने डाला है चाट मसाला और नींबू, इतने मज़े की है। इसको कहते हैं सर्दियों की सौगात। हुमा ने ऊंट वाला मंगवा दी यहाँ पर, आ रहा ऊंट वाला। ऊंट कीना परवर होते हैं हुमा की तरह, अल्लाह की पनाह कितना खतरनाक है। ज्वेलरी भी है इसकी पहनी है। हुमा आ जाओ बैठ। ये पतंग ने भेजी है हुमा के ऊपर पैगाम लिखकर, घर पे थैंकी पतंग उसने। ये देखो, सब्जी वाले ने हुमा के लिए खत लिखकर भेजा है, इतना बड़ा खत, तो मोहब्बत में बदनाम करेगा। तो ये है जी हुमा मैडम के कॉलेज का प्रोजेक्ट, और फैब्रिक पेंट के बजाय नेल पॉलिश से लिख रही है मैडम। हाँ ठीक है। हुमा के कॉलेज का प्रोजेक्ट का तहस नहस हो गया। ये मेरी शाम की चाय का इंतज़ाम है, इसमें गाजर का हलवा है, पेठे का हलवा है, सिंपल केक है, ये ब्राउनी है, और पेठे का हलवा है। वैसे ये भी गाजर का ही हलवा लिखा हुआ है इसके ऊपर। बहुत मज़े का है। शाम की चाय का वक्त हो गया, और जब मैं शाम की चाय पीती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे पास कोई मज़ेदार मीठी चीज़ें हो। नमकीन की मैं इतनी शौकीन नहीं हूँ, हो जाए तो कोई इशू नहीं है। तो रूल्स भी हैं, वो मज़े के। सब्जी वाले रोल्स। अदील भाई आपको प्रॉब्लम पता नहीं क्या हो गया, ऐसे आए मेरे साथ। अब
हुआ क्या है, अदील भाई हो गए हैं ओवर। इन्होंने मुझे भीच सड़क पे उतार दिया है और सामने पार्क था, इधर मैं चली गई हूँ। यहाँ से मैंने अबू को कॉल मिलाई है कि आके मुझे पिक करें, और अब अदील भाई की तो होनी है फेंटी। ऐसी इनकी एंट्री बंद होनी है ना, हमारे खानदान में होश ठिकाने आ जाएंगे। अजीब सी डरावनी तरीन जगह है। झूले लगे हैं पापा, इधर नहीं जाना है। और मेरा कैमरा इतना ब्लर क्यों हुई जा रही है, मुझे समझ नहीं आ रही। पता नहीं एक बंदा उस वक्त से मुझे नजर आ रहा है, पास जाती हूँ और दूर होता जाता है। अच्छा बाहर जाने का मैं रास्ता किसे पूछूं, मुझे वहां पर ये दो औरतें नजर आ रही हैं जो नमाज पढ़ रही हैं। इनसे रास्ता पूछती बाहर जाने का, मगर बात यह कि ना किबला का रुख उस तरफ है और ना ही ये किसी नमाज का टाइम है। वैसे कहते हैं कि अगर आप किसी पार्क में खो जाओ तो आपको झूले वाली जगह पे चले जाना चाहिए, वो सेफ होती है। और यहाँ पे दूर दूर तक झूला कोई नहीं, और जो झूला है वो बिल्कुल खाली है, उस पर कोई बच्चा भी नहीं है। खैर कोई है मेरे पीछे की नहीं, मेरे पीछे भी नहीं है। खैर मैं तो खैरियत से घर आ गई हूँ, अल्लाह का शुक्र है। पापा मुझे लेने आ गए थे और पापा बहुत गुस्से में थे, वो मुझसे बस यही पूछ रहे थे कि दिल भाई ने आपको रास्ते में क्यों उतारा। लेकिन बहरहाल अब पापा ने ना उसके अब्बू को फ़ोन किया और घर में फ़ोन करे, मैं थी देर में अपनी पेट पूजा करूँगी, इस पर मैं चीज़ भी रखूँगी। अदील भाई ना ओवर हो जाते हैं, इनको ना जरा सी इज्जत दो। अब तो इनको मैंने अदील भाई भी नहीं कहना, सिर्फ अदील कहूंगी। जो इज्जत का मुकाम था ना भाई कह के, वो नहीं अब इनको देना मैंने।